जब भी कभी हम कोई काम बचपन में किया करते थे और काम में रुकावट आती थी, हम निराश होते थे, तो माँ हमेशा कहा करती थी, श्रेयांसी बहु विघ्नानी। अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि जब भी हम कोई अच्छा कल्याणकारी कार्य करते हैं तो बाधाएं तो उसमें आती ही हैं, इसलिए हमें अपनी दृष्टि बाधाओं पर नहीं बल्कि उन बाधाओं को हटाने के लिए समाधान या नए रास्ते तलाश करने पर केंद्रित करनी चाहिए। तो हम जो ये काम कर रहे हैं YouTube पर, उसमें भी एक रुकावट आ गई है दोस्तों, और वो रुकावट है स्टूडियो संबंधी रुकावट। वहां कुछ अव्यवस्था हो गई है, उसके चलते रिकॉर्डिंग वहां संभव नहीं हो पा रही है। जब तक दूसरी कोई व्यवस्था नहीं होती, दूसरा कोई स्टूडियो नहीं मिलता, तब तक मैंने ये समाधान तलाश किया कि क्यों ना हम घर से लैपटॉप से ही रिकॉर्डिंग कर आप तक पहुंचाएं, क्योंकि परीक्षाएं बिल्कुल निकट हैं और हम अगर अपने पाठ्यक्रम में जो भी कुछ हमारा लक्ष्य है उसे पूरा नहीं कर पाते तो फिर हमारी यह असफलता होगी, और असफल होना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमने ये रास्ता तलाश किया। उम्मीद करती हूँ कि वे ये वीडियो भी आपके लिए उतने ही उपयोगी साबित होंगे जितने के पिछले वीडियोस हुए। नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज के सत्र में हम बिहारी रत्नाकर पर आधारित प्रश्नों पर बातचीत करने वाले हैं। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और कथ्य की दृष्टि से, शिल्प की दृष्टि से इन सभी प्रश्नों को बनाने में, तैयार करने में बहुत सावधानी बरती गई है। उम्मीद करती हूँ ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे परीक्षा की दृष्टि से। इनमें कुछ वे प्रश्न भी शामिल किए गए हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। तो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, कवि बिहारी के जन्म का वर्ष माना गया है। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है और आपके ऑप्शंस हैं 1595 ईस्वी, 1590 ईस्वी, 1585 ईस्वी और 1580 ईस्वी। तो इनमें से, क्योंकि हम बिहारी के जीवन का विस्तृत परिचय पहले पढ़ चुके हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि 1595 ईस्वी सही उत्तर है। तो ए विकल्प यहाँ सही उत्तर है, आपको ध्यान रखना है। और यदि मैं आपको यहाँ एक और बात बता दूं, यदि इन विकल्पों में विक्रम संवत में दिए जाते हैं ऑप्शंस, तो आपको क्या करना है, 57 उसमें जोड़कर जो भी संख्या आए उसी पर चिन्ह लगाना है, उसी को सही उत्तर के रूप में चुनना है। तो 57 वर्ष का अंतर होता है ईस्वी सन में और विक्रम संवत में, तो आप 1595 में 57 वर्ष जोड़ेंगे तो आपके पास विक्रम संवत आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, कवि बिहारी का जन्म स्थान है, ए ऑप्शन है बसुआ गोविंदपुर ग्वालियर, बसुआ गोविंदपुर बनारस, रामपुरिया बनारस या रामपुरिया ग्वालियर। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, बसुआ गोविंदपुर ग्वालियर में जन्म हुआ था कवि बिहारी का, तो ए ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही उत्तर है। तीसरे प्रश्न पर आते हैं, कवि बिहारी का बचपन किस स्थान पर बीता, रुहेलखंड, बघेलखंड, बुंदेलखंड या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको याद होगा दोस्तों कि अपने पिता के साथ कवि बिहारी बचपन में ही ओरछा आ गए थे, और ओरछा जो स्थान है वो बुंदेलखंड में स्थित है, और यही कारण है कि कवि बिहारी का बचपन बुंदेलखंड में बीता, यानी सी विकल्प सही उत्तर है। चौथे प्रश्न पर आते हैं, कवि बिहारी का पूरा नाम क्या था, बिहारी राय, बिहारी लाल चौबे, बिहारी केशव राय या बिहारी मल। तो बिहारी लाल चौबे कवि बिहारी का पूरा नाम था, यानी बी विकल्प इसका सही उत्तर है। पांचवें प्रश्न पर आते हैं, बिहारी की युवावस्था निम्न में से किस स्थान पर व्यतीत हुई, ऑप्शंस हैं बनारस, आगरा, इलाहाबाद या मथुरा। तो आपको ध्यान होगा मैंने आपको बताया था पिछले सत्र में कि मथुरा आ गए थे वे युवावस्था में, जो कि उनकी ससुराल थी, और अपनी ससुराल में ही उनकी युवावस्था व्यतीत हुई, यानी डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं, छठे प्रश्न पर आते हैं, बिहारी किस मुगल शासक के विशेष कृपा पात्र थे, ए अकबर, बी औरंगजेब, सी जहांगीर और डी शाहजहां। तो आपको याद होगा जहांगीर के साथ जब शाहजहां मथुरा आए थे, नरहरिदास से मिले थे, उनके गुरु, बिहारी के गुरु का नाम नरहरिदास था, और उसी समय जहांगीर और शाहजहां उन्हें अपने साथ मुगल दरबार ले गए थे, लेकिन उन पर विशेष कृपा दृष्टि शाहजहां की थी जो उस समय युवराज या शहजादे हुआ करते थे। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है।
सातवें प्रश्न पर आते हैं, बिहारी के गुरु का नाम क्या था? नरहरिदास, जगहरिदास, नरहरियानंद या अच्युतानंद? तो अभी अभी मैंने जिक्र किया, नरहरिदास उनके गुरु का नाम था, यानी ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आठवां प्रश्न, बिहारी ने किस स्थान पर दीक्षा ग्रहण की? मथुरा, अयोध्या, वृंदावन या काशी? तो वृंदावन में बिहारी ने दीक्षा ग्रहण की थी, सी विकल्प इसका सही उत्तर है, आपको ध्यान में रखना है। नवे प्रश्न पर आते हैं, बिहारी ने किस संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की? रामावत संप्रदाय, पुष्टि मार्ग, निम्बार्क संप्रदाय या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो बिहारी ने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की थी, सी विकल्प इसका बिल्कुल सही उत्तर है। दसवें प्रश्न पर आते हैं, बिहारी किस शासक के राज्यकाल में स्थायी रूप से जयपुर में बस गए? राम सिंह, जय सिंह, माधो सिंह या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो बी विकल्प यहाँ सही उत्तर है, जय सिंह के शासनकाल में वे जयपुर आए और स्थायी रूप से जयपुर में ही बस गए। आगे चलते हैं, ग्यारहवें प्रश्न पर आते हैं, बिहारी को जयपुर में किस राजकुमार का शिक्षक नियुक्त किया गया? राम सिंह, माधो सिंह, अजीत सिंह या फिर मान सिंह? तो आपको याद होगा, महारानी अनंत देवी ने राम सिंह का, राजकुमार राम सिंह का शिक्षक उन्हें नियुक्त किया था जब वे उनकी योग्यता से प्रभावित हो गई थी। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बारहवें प्रश्न पर आते हैं, बिहारी सतसई किस प्रकार की कृति है? देखिए, अभी तक जितने भी प्रश्न थे वे बिहारी के जीवन से संबंधित थे, उनके जीवन पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न थे, अब उनकी कृति पर आधारित प्रश्नों पर बात की जा रही है। बिहारी सतसई किस प्रकार की कृति है? मुक्तक काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य या फिर गीति काव्य? तो बिहारी सतसई एक मुक्तक काव्य है, क्योंकि इसका हर दोहा एक अपने आप में एक स्वतंत्र रचना है, उसका पूर्वापर संबंध नहीं है, यानी किसी भी दोहे का पूर्व के दोहे से और बाद के दोहे से कोई संबंध नहीं है, ये एक स्वतंत्र भावनाओं की अभिव्यक्ति है, इसलिए ये एक मुक्तक काव्य है। ए विकल्प इसका सही उत्तर है। बिहारी रत्नाकर में कुल कितने दोहे हैं? 700, 702, 710 या फिर 713? तो ये प्रश्न तो दोस्तों आपको किसी भी स्थिति में भूलना ही नहीं है, डी विकल्प इसका सही उत्तर है, 713 दोहे हैं बिहारी रत्नाकर में। चौदवा प्रश्न, बिहारी सतसई की भाषा है ब्रज, अवधी, मैथिली या भोजपुरी? तो बिहारी सतसई की भाषा ब्रज भाषा है, तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं, बिहारी सतसई पर अब तक कितनी टीकाएं प्राप्त हो चुकी हैं? 44, 54, 50 या फिर 63? तो अब तक बिहारी सतसई पर 54 टीकाएं प्राप्त हो चुकी हैं, बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सोलहवें प्रश्न पर आते हैं, बिहारी सतसई पर प्रथम टीका किसने लिखी? कृष्ण कवि, ग्वाल कवि, रत्नाकर या फिर लल्लूलाल? तो कृष्ण कवि ने बिहारी सतसई पर सबसे पहली टीका लिखी, ग्वाल कवि ने बिहारी सतसई पर कोई टीका नहीं लिखी, रत्नाकर ने, यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर, जिनकी रचना बिहारी रत्नाकर हमारे पाठ्यक्रम में है, उन्होंने बिहारी सतसई पर अंतिम टीका लिखी, और लल्लू लाल ने लाल चंद्रिका नाम से टीका लिखी। तो आपको ये ध्यान रखना है, ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। 17वें प्रश्न पर आते हैं, बिहारी सतसई पर अंतिम प्राप्त टीका किसकी है? लल्लू लाल, सदल मिश्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर या इनमें से कोई नहीं? तो सी विकल्प सही उत्तर है, क्योंकि जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखित बिहारी रत्नाकर बिहारी सतसई पर लिखित अंतिम टीका है, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, आज के सत्र का 18वां प्रश्न है, बिहारी रत्नाकर का संपादन कार्य कब पूरा हुआ? तो देखिए दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं 1919, 1918, 1920 और 1922। तो यहां मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि स्वयं बिहारी रत्नाकर ग्रंथ की भूमिका में जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा है कि उन्होंने 1921 में अयोध्या से इस संपादन कार्य को प्रारंभ किया और 1922 में ये संपादन कार्य उनका पूरा हुआ, लेकिन अयोध्या से शुरू होकर इसके संपादन के पूर्ण होने का स्थान था कश्मीर में निषादमार्ग, यानी 1921 में कवि संपादन कार्य प्रारंभ करते हैं और 1922 में कश्मीर के निषाद बाग में इस संपादन कार्य को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही विकल्प है, सही उत्तर है 1922, यानी यहाँ ये कुछ गड़बड़ हो गई है, कोई बात नहीं बेटा, इस पर आप ध्यान नहीं देंगे, ई एफ जी एच मान लीजिए ये ए बी सी डी की तरह ही है, तो एच विकल्प आपका सही उत्तर है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं,
चलिए अगला प्रश्न है, 19वां प्रश्न, बिहारी रत्नाकर का प्रकाशन वर्ष माना गया है। देखिए पिछले प्रश्न के दौरान मैंने आपको बताया कि 1921 में जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर ग्रंथ के संपादन का कार्य प्रारंभ किया अयोध्या से। 1922 में कश्मीर के निषाद बाग में उन्होंने इस कार्य को, संपादन कार्य को पूरा किया, और इसका जो प्रकाशन है ग्रंथ के रूप में वो 1925 में हुआ दोस्तों। तो यानी 1925 आपका सही विकल्प है, इस प्रश्न का सही उत्तर है 1925। यानी संपादन कार्य पूरा होने के लगभग 3 वर्ष बाद बिहारी रत्नाकर ग्रंथ के प्रकाशित हो पाया। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी सतसई की विशेषता नहीं है? तो आपको दोस्तों बहुत ध्यान रखना है, कल्पना की समाहार शक्ति ए विकल्प है, बी है भाषा की समास शक्ति, सी है श्रृंगार भक्ति नीति की त्रिवेणी, और डी है ओज गुण एवं वीर रस की प्रधानता। तो आपको ध्यान है कि ए विकल्प कल्पना की समाहार शक्ति बिल्कुल सही है, क्योंकि बिहारी सतसई की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, पहले ही सत्र में हमने इस पर विशेष चर्चा की थी। बी विकल्प भी सही है, क्योंकि भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति की दृष्टि से ये ग्रंथ बिहारी सतसई अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है। और हम जानते हैं कि बिहारी सतसई के विषय में ये कथन बहुत प्रसिद्ध है कि बिहारी सतसई में श्रृंगार भक्ति और नीति की त्रिवेणी प्रवाहित है। इसका मतलब सी विकल्प भी सही है, और बिहारी सतसई क्योंकि श्रृंगार परक रचना है, उसका प्रधान रस श्रृंगार है, इसलिए यहाँ पर ओज गुण एवं वीर रस की प्रधानता का जो विकल्प है ये उचित नहीं है। यानी कि डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये विशेषता बिहारी सतसई में नहीं पाई जाती। आगे चलते हैं, 21वें प्रश्न पर आते हैं, बिहारी किस काव्य धारा के कवि हैं? ए है रीतिमुक्त, बी है रीतिसिद्ध, सी है रीतिबद्ध, और डी ए और बी दोनों। तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि रीतिमुक्त वे थे नहीं, रीतिबद्ध भी वे नहीं थे, उन्होंने लक्षण ग्रंथों को ध्यान में रखकर अपनी कृति की रचना की, यानी कि वे रीतिसिद्ध कवि थे। बी विकल्प यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर है। 22वें प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से रीतिसिद्ध कवि कौन है? ये प्रश्न मैंने दोस्तों इसलिए लिया है क्योंकि ये नेट जून 2007 और 2011 में, दिसंबर 2012 में, यानी ये लगातार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है इस तरीके से। तो हालांकि पिछले प्रश्न और इस प्रश्न में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ये प्रश्न यहाँ पर आपको ध्यान में रहे इसलिए लिया है। यूपी पीजीटी 2002 में, यूपी टीजीटी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया। तो निम्नलिखित में से रीति सिद्ध कवि कौन है? तो घनानंद रीतिमुक्त है, मतिराम और तोष रीतिबद्ध कवि माने जाते हैं, और बिहारी ही एकमात्र रीति सिद्ध कवि है यहाँ इन विकल्पों में। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 23वें प्रश्न पर आते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के विषय में क्या लिखा है? बिहारी की भाषा चलती है, बिहारी की भाषा साहित्यिक है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, या बिहारी की भाषा में शब्द वैचित्र्य बहुत कम है? तो दोस्तों ये प्रश्न नेट दिसंबर 2015 में पूछा गया है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, यानी बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यानी आम बोलचाल की भाषा होते हुए भी साहित्यिक भाषा के रूप में हमारे सामने आती है बिहारी की भाषा। और ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा बिहारी की भाषा के विषय में प्रस्तुत किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, द्रग उरजत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परत गांठ दुर्जन हिये दई नई यह नीति। ये जो दोहा है इस पर आधारित प्रश्न है, और ये प्रश्न दोस्तों पूछा गया है नेट दिसंबर 2018 में। इसके इसके बारे में ये कथन कहे गए हैं, हमें इनमें से सही कथन छांटना है। इसमें कार्य कारण संबंध का स्वाभाविक चित्रण हुआ है, इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है, इसमें असंगति अलंकार है, या फिर इसमें विभावना अलंकार है। तो इनमें से हमें छांटना है कि सही कथन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों यहां पर बात क्या कही गई है, नेत्रों के मिलने पर परिवार टूटते हैं और चित्त की प्रीति जुड़ती है। यानी यहां पर क्या हो रहा है, कार्य कहीं और संपन्न हो रहा है, कारण कहीं और है और कार्य कहीं और संपन्न हो रहा है, तो इसमें असंगति अलंकार है, यानी सी विकल्प इसके विषय में सही उत्तर है। दूसरी बात यह है कि द्रग उरझत यानी नेत्र मिलते हैं, परिवार कहीं और होते हैं,
यानी परिणाम कहीं और आता है, कारण है द्रग मिलने का, नेत्र मिलने का, लेकिन जो कार्य है वो कहीं और संपन्न हो रहा है। इसका मतलब कार्य कारण का संबंध स्वाभाविक यहां पर नहीं है, यानी ए कथन इसके विषय में सही उत्तर नहीं है। इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है, ये कथन पूरी तरह से सही है, और इसमें विभावना अलंकार नहीं है, यानी बी और सी कथन इस दोहे के विषय में बिल्कुल सही है। अब देखते हैं कूट जो दिए गए हैं, ए और बी सही, बी और सी सही, यानी दूसरे नंबर का जो कूट है वो इसका सही उत्तर है। यहां पर बी और सी कथन दोनों बिल्कुल सही हैं। आगे चलते हैं, 25वें प्रश्न पर आते हैं। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया, और ये प्रश्न भी यूपी पीजीटी 2005 में पूछा गया है। दोस्तों आपके विकल्प हैं रहीम, मतिराम, बिहारी और देव। तो देखिए, बिहारी एक ऐसे कवि हैं जो अपनी बिहारी सच्चाई, जो उनकी एकमात्र रचना है, उसके आधार पर हिंदी साहित्य में अमर हो गए, कालजयी कवि के रूप में जाने गए। उनकी जो रचना है वो कालजयी कृति के रूप में मानी जाती है। तो सी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, 26वां प्रश्न। देखिए ये दोहा बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरह से आप समझ लीजिएगा। द्रग उरजत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत, यह कथन किसका है? तो अभी हमने पढ़ा और ये भी प्रश्न पूछा गया है यूपी पीजीटी 2011 में, तो बिहारी, तुलसी, जायसी या फिर कबीर। तो हमने अभी पढ़ा ए विकल्प इसका सही उत्तर है, क्योंकि ये दोहा बिहारी के द्वारा लिखा गया है, यानी ये कथन बिहारी का है। 27वां प्रश्न, कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है, बिहारी की कविता के विषय में यह कथन किस आलोचक का है? आपके विकल्प है रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर नामवर सिंह। तो सी विकल्प यहाँ बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के विषय में ये कहा, ये कथन प्रस्तुत किया है कि उनकी कविता श्रृंगारी है, लेकिन वो जो उन्होंने जो जिस प्रेम का चित्रण किया है वो प्रेम उदात्त प्रेम नहीं है, वो प्रेम केवल श्रृंगारिक प्रेम है, क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति किसके लिए की गई है? राजाओं के या अपने आश्रयदाता के मनोरंजन के उद्देश्य से की गई है। तो यही बात यहाँ पर आचार्य शुक्ल इस कथन के माध्यम से कहना चाहते हैं। तो सी विकल्प हमारा सही उत्तर है। 28वें प्रश्न पर आइए, राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे? देखिए ये प्रश्न भी बार बार पूछा जा रहा है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2017 में पूछा गया, हिंदी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया, संस्कृत विषय से जो लेते हैं उसमें हिंदी फर्स्ट ग्रेड, संस्कृत में 2008 में ये प्रश्न पूछा गया, और आपके ऑप्शंस हैं भूषण, बिहारी, मतेराम या फिर सेनापति। तो हम सभी जानते हैं कि बिहारी राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे, बी विकल्प यहाँ सही उत्तर है। 29वें प्रश्न पर आते हैं, बिहारी के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है, इन्होंने आचार्य केशव दास से काव्य शिक्षा ग्रहण की, हिंदी में समास पद्धति की शक्ति का परिचय सबसे अधिक इन्होंने ही दिया, काव्य के लिए अपेक्षित सभी विषयों का सामान्य परिचय इन्हें था, मिश्र बंधुओं ने इन्हें देव से बड़ा कवि माना है। तो दोस्तों इन सभी में हम देखते हैं कि इन्होंने आचार्य केशव दास से काव्य शिक्षा ग्रहण की, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने उनके जीवन परिचय में पढ़ा था कि वे अपने पिता के साथ बचपन में ही ओरछा आ गए थे और कवि केशव दास भी ओरछा में ही रहा करते थे, तो वहीं पर इन्होंने केशव दास से काव्य की शिक्षा ग्रहण की, ये कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद हिंदी में समास पद्धति की शक्ति का परिचय सबसे अधिक इन्होंने दिया, ये इनकी कृति के विषय में बिहारी सतसई की एक प्रमुख विशेषता के रूप में मान स्वीकार की जाती है, उनकी समास शक्ति, इसलिए ये कथन भी सही है। काव्य के लिए अपेक्षित सभी विषयों का सामान्य परिचय इन्हें था, क्योंकि बिहारी को उनके दोहों में जो उनका बहुमुखी ज्ञान प्रस्फुटित हुआ है, उद्घाटित हुआ है, अभिव्यक्त हुआ है, उसके आधार पर बहुज्ञ कवि माना जाता है, इसलिए सी विकल्प भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। यानी असंगत कथन कौन सा है? मिश्र बंधुओं ने इन्हें देव से बड़ा कवि माना है, ये कथन सही नहीं है, क्योंकि मिश्र बंधुओं ने देव बड़े या बिहारी इस तरह की चर्चा अपने ग्रंथ में की है, और उसमें उन्होंने बिहारी को कवि ही नहीं माना है और देव को बिहारी से अधिक बड़ा कवि माना है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 30वें प्रश्न पर आते हैं, इनमें से महाकवि बिहारी और उनकी सतसई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ये फर्स्ट ग्रेड हिंदी 2015 में ये प्रश्न पूछा गया, यानी आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि इस तरह के प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं।
तो पहला ऑप्शन है प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण उनकी बहुत बड़ी विशेषता है, यानी बिहारी सतसई में प्रकृति के आलंबन रूप का चित्रण किया गया है। बी विकल्प है लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान और शास्त्र ज्ञान तीनों का सुंदर समन्वय सतसई में देखने को मिलता है। तीसरा विकल्प है अनुभवों के चित्रण में बिहारी सिद्धहस्त थे। और चौथा विकल्प है सतसई में साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। तो देखिए, लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान और शास्त्र ज्ञान तीनों का सुंदर समन्वय सतसई में देखने को मिलता है, ये बिल्कुल कथन बिल्कुल सही है। अनुभवों के चित्रण में बिहारी सिद्धहस्त है, ये भी कथन सही है। सतसई में साहित्यिक ब्रजभाषा है, ये भी कथन सही है। लेकिन बिहारी सतसई में कवि ने प्रकृति के आलंबन रूप का चित्रण नहीं किया है, इसलिए ये ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये कथन सही बिहारी सतसई के विषय में सही नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 31वां प्रश्न, बिहारी सतसई पर किसने फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में टीका लिखी? तो लल्लू लाल, पद्म सिंह शर्मा, राधा कृष्ण दास और आनंदी लाल शर्मा जोशी। तो हमने जब बिहारी सतसई पर विस्तृत चर्चा की थी दोस्तों, तब हमने जिक्र किया था कि फारसी भाषा में फिरंगे सतसई के नाम से बिहारी सतसई पर टीका लिखने वाले विद्वान का नाम है आनंदी लाल शर्मा जोशी, यानी डी विकल्प आपका सही उत्तर है। 32वें प्रश्न पर आते हैं। बिहारी सतसई सैकड़ों वर्षों से रसिकों का हृदय हार बनी हुई है और तब तक बनी रहेगी जब तक इस संसार में सहृदयता है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शंस हैं ए रामचंद्र शुक्ल, बी पद्म सिंह शर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी नंदुलारे वाजपेयी। ये कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, यानी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं, 33वें प्रश्न पर आते हैं। 33वां प्रश्न है बिहारी से संबंधित सत्य कथन है। ए बिहारी की युवावस्था मथुरा में बीती, बिल्कुल सही है, हम पढ़ चुके हैं। बिहारी चौबे ब्राह्मण थे, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी कथन सत्य है। बिहारी को जयपुर राज परिवार से काली पहाड़ी की जागीर पुरस्कार स्वरूप प्राप्त हुई, ये कथन भी पूरी तरह से सही है, यानी डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है कि उपर्युक्त सभी कथन बिहारी के विषय में पूरी तरह से सत्य है। 34वें प्रश्न पर आते हैं। बिहारी के दोहों का उर्दू अनुवाद किसने प्रस्तुत किया? ए विकल्प है जगन्नाथ दास रत्नाकर, बी है लल्लू लाल, सी है इंशाअल्लाह खां और डी है मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम। तो डी विकल्प आपका सही उत्तर है, क्योंकि बिहारी के दोहों का उर्दू अनुवाद मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम के द्वारा ही किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, 35वां प्रश्न। हिंदी में सतसई परंपरा का प्रथम ग्रंथ है गोवर्धनाचार्य कृत आर्या सप्तशती, कृपाराम कृत हित तरंगिणी, हाल कृत गाथा सप्तशती और आनंदी लाल शर्मा कृत फिरंगे सतसई। तो आपको ध्यान रखना है कि गोवर्धनाचार्य कृत आर्या सप्तशती संस्कृत में लिखी गई रचना है, कृपाराम कृत हित तरंगिणी हिंदी की रचना है और हाल कृत गाथा सप्तशती प्राकृत की है और आनंदी लाल शर्मा कृत फिरंगे सतसई टीका है जो फारसी भाषा में लिखी गई थी। तो ऐसी स्थिति में बी विकल्प हमारा सही उत्तर है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने लगभग 35 प्रश्नों पर बिहारी सतसई पर आधारित 35 प्रश्नों पर बातचीत की, जिसमें बिहारी के जीवन से संबंधित प्रश्न भी थे, उनकी रचना से संबंधित प्रश्न भी थे और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित प्रश्न भी थे। कुछ एक प्रश्न इस सत्र में ऐसे भी शामिल किए गए जो पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए, ताकि आपको पर्याप्त तो मार्गदर्शन मिलता रहे। अगले सत्र में हम इसके आगे और भी 30-35 प्रश्नों पर बातचीत करेंगे। लगभग 75 प्रश्न, 73 से 75 के बीच में प्रश्न हमने बिहारी सतसई पर तैयार किए हैं, उन सब की चर्चा करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि इन प्रश्नों को करने के बाद आपका कोई भी बिहारी से संबंधित प्रश्न गलत होगा ही नहीं। ऐसा कोई प्रश्न संभवतः होगा ही नहीं जिसके जवाब आपके पास ना हो। तो अगले सत्र का बेसब्री से इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।